स्टूडेंट्स से जो टकराओगे, जो टकराओगे, जो टकराओगे, तुम स्टूडेंट्स से जो टकराओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ये गाना स्टूडेंट्स की तरफ से उन सब के लिए जिन्होंने उन पर कंटिन्यूअस अटैक्स करे, अगर आपको एक गाना याद आ जाएगा तो चीयर कर देना, नो वन विल जज यू, डोंट वरी। तुम स्टूडेंट्स से जो टकराओगे, जो टकराओगे, जो टकराओगे, तुम स्टूडेंट्स से जो टकराओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तुम स्टूडेंट्स से जो टकराओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। लाठियों से हौसला तुम तोड़ ना सके, टियर गैस से इरादा मोड़ ना सके। लाठियों से हौसला तुम तोड़ ना सके, टियर गैस से इरादा मोड़ ना सके। कलम से लाठी तुम जब लड़वाओगे, जब लड़वाओगे, जब लड़वाओगे। कलम से लाठी तुम जब लड़वाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तुम स्टूडेंट्स से जो टकराओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। आप देखेंगे तो ये कभी भी डायरेक्ट डायलॉग करने को राजी नहीं होते, जो हुक्मरान है हमारे, क्योंकि उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स देने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। क्यों सीधे मुंह तुम हमसे बात करते नहीं, वो डरते हैं कि उनसे हम डरते नहीं। क्यों सीधे मुंह क्यों हमसे बात करते नहीं, वो डरते हैं कि उनसे हम डरते नहीं। जाहिलों से तर्कों के साथ लड़ेंगे, स्टूडेंट्स हैं हम तो सवाल करेंगे। जवाब देने से जो कतराओगे, जो कतराओगे, जो कतराओगे। जवाब देने से जो कतराओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तुम स्टूडेंट्स से जो टकराओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। आप ये भी देखेंगे कि इनकी बातें आपस में मिलना जुलना बंद हो गई है, है ना। एक कहता है एनआरसी होगा, एक कहता है एनआरसी नहीं होगा। तो इसके पीछे कुछ मामला है, मामला ये। बातें जो अपनी घुमाने लगे हो, बातें जो अपनी घुमाने लगे हो, लगता है तुम हमसे घबराने लगे हो। ये बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि क्लासेस अटेंड करो। सुधरे तुम होते तो हम क्लास में होते, सड़क पे देख कर कप कप आने लगे हो। बातें जो अपनी घुमाने लगे हो, लगता है तुम हमसे घबराने लगे हो। सुधरे तुम होते तो हम क्लास में होते,
सड़क पे देख कर कप कप आने लगे हो, पर कपड़ों से जज जो कर जाओगे पर कपड़ों से जज जो कर जाओगे बड़ा पछताओगे तुम स्टूडेंट्स से जो टकराओगे बड़ा पछताओगे। थैंक यू सो मच। और जब जब फैशिज्म और फासीवाद जो है वो चरम सीमा पर रहा है, तो बेला चाओ ने उससे अपनी लड़ाई करी है और बेला चाओ ने उसको सबक सिखाया। बेला चाओ का अनुवाद तो नहीं, पर बेला चाओ को की फील पर, बेला चाओ के मूड पर एक हिंदी वर्जन मैंने उसका लिखा था जब जामिया में ही पहले, जब जामिया के अंदर ये जब CAA प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले जामिया के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर वार हुआ था, उनको शो कॉज नोटिस दिखाया गया था, तब ये गाना लिखा गया था। और तभी JNU के अंदर भी बार बार ये हाल हो रहा था और फी हाइक हो रही थी और उसके भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो ये गाना उस माहौल के लिए है जो कि अभी बना दिया गया है, जैसे हमारे ऊपर रोज जब जुल्म होते हैं उस माहौल के लिए गाना है, और ये उन लोगों के लिए है जो इस माहौल को बना रहे हैं। गाने का नाम उन्हीं लोगों के लिए और उन एक्ट्स के लिए, CAA जैसी एक्ट्स के लिए, CAA जैसी लॉज के लिए और इन जालिमों के लिए, गाना है वापस जाओ। NPR वापस जाओ।
शुक्रिया। क्या मेरे पास एक और गाने का टाइम है या नहीं? ओके ठीक। मैं उन्होंने क्योंकि पैरोडीज की बात करी तो मैं सोच रहा था एक तो सुना देता हूँ, पर उसके लिए मुझे पहले ये जानना होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है ओके। हाँ बढ़िया, हम सब स्टूडेंट्स, दैट्स ट्रू। जब इस प्रोटेस्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह थी कि स्टूडेंट्स ने लीड किया इस प्रोटेस्ट को, है ना। आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स पे बहुत सारे अटैक्स हुए पर स्टूडेंट्स पीछे नहीं हटे और स्टूडेंट्स ने सिखाया कि हम रुकेंगे नहीं और हम लीड करेंगे। और उस बात पे मैं एक टीचर होने के नाते मेरे लिए बहुत पर्सनल भी था जब स्टूडेंट्स पर अटैक हुए और मुझे बहुत बहुत अजीब लगा कि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं हम पढ़ना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं, हम आगे और अपने थॉट को बढ़ाना चाहते हैं, पर उनको रोका जा रहा है।